फास्फोरस के साइकिल को समझने के बाद में फास्फोरस के डिसऑर्डर्स को क्लियर करते हैं। फास्फोरस की नॉर्मल वैल्यूएशन होती है 2.5 से 4.5 mg पर dl मिलीग्राम पर डिसीलीटर। यहाँ पर आप दो प्रकार के डिसऑर्डर्स बनाओगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया किसे कहेंगे? हाइपोफॉस्फेटेमिया कहेंगे बिलो 2.5 mg पर डेसीलीटर सीरम फॉस्फोरस वैल्यू का कम होना। और नेक्स्ट नंबर पे हाइपरफॉस्फेटेमिया किसे बोलेंगे? तो आप इसे बोलेंगे अबव 4.5 mg पर dl से अबव होना सीरम फॉस्फोरस वैल्यू को। सीरम मतलब ब्लड, ब्लड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर 1% जो फॉस्फोरस मैंने आपको बताया था 2.5 से 4.5 mg पर dl के अंदर वो काउंट हो रहा है। अब अगर अपन यहाँ पर हाइपोफॉस्फेटेमिया के डेफिनेशन क्लियर करने के बाद कारणों को देखें, कॉजेस, तो कॉजेस में पहला कारण मैं लिख देता हूं हाइपोफॉस्फेटेमिया का, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म मतलब पीटीएच का बढ़ना, ये प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि जब आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स में हाइपो पैराथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ेंगे। हाइपर पैराथायराइडिज्म दो प्रकार का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन के अंदर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पीटीएच क्या करता है, फॉस्फोरस के रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है और कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एनकरेज करता है। कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, फॉस्फोरस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है एंड फॉस्फोरस घट जाता है। इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, पीटीएच इंक्रीज हुआ तो फॉस्फोरस घट गया और कैल्शियम बढ़ गया, सिंपल। सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पर आपके पास में, दूसरे नंबर का टॉपिक है आपके पास में सर्टेन ड्रग्स, और एंटासिड, एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोले कि किसी क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, हार्ट बर्न हुआ है, तो हार्ट बर्न कंडीशन में आप क्या देंगे? एंटासिड्स देते हैं। और कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोगे। और ये भी क्या है? एक एंटासिड है। तो मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले कुछ एंटासिड्स के बारे में क्लियर करना चाहता हूं, जिससे वो लेने के बाद में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कुछ दवाइयों के सेवन से कैसे हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। यहां पर मैंने आपके सामने लिखा एंटासिड, कई स्टूडेंटों को थ्योरी क्लियर नहीं होती है एंटासिड्स क्या कार्य करते हैं, तो मैं सिर्फ डेफिनेटली आपको कहना चाहता हूँ ये पीएच को बढ़ाते हैं और न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं। कौन कौन से होते हैं एंटासिड्स के अंदर? आता है सबसे पहले अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरे नंबर पर आता है आपके पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं? ये क्या है? एंटासिड्स। यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लिखना चाहता हूँ ताकि आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। जब कैल्शियम कार्बोनेट को दूध के संग में मिला के दिया जाता है तो क्लाइंट रिगर्गिटेट करता है और वॉमिटिंग करता है और दूध को बाहर निकाल देता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। जब इसलिए बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को कभी भी दूध के संग में नहीं देते हैं, अदरवाइज मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डेफिनेटली दूसरा नाम क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गौर से सुनिएगा, ये कॉशनली यूज किया जाता है। ये कॉशनली यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये एनसेफेलोपैथी कॉज करता है। इसके कारण से डेलिरियम, डिमेंशिया, मूड स्विंग्स, डिसोरिएंटेशन कंडीशंस होती है, इसलिए एल्यूमिनियम बहुत रेयर कंडीशंस में यूज में करना चाहिए। ये कंडीशन होती है डायलिसिस एनसेफेलोपैथी। डायलिसिस करते समय अगर डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर आपने एल्यूमिनियम कंटेंट डाल दिया, एडमिट कर दिया, तो एल्यूमिनियम के कारण से क्या होगा? एनसेफेलोपैथी कॉज होगा, उसे क्या बोलेंगे? डायलिसिस एनसेफेलोपैथी। तो ऑल ओवर बॉडी के अंदर जब भी अपन एल्यूमिनियम यूज करें तो कॉशनली यूज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि एनसेफेलोपैथी कॉज करता है। ये कंडीशन आती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट। तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट है डायरिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफेक्ट क्या है? तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। कैल्शियम कार्बोनेट का साइड इफेक्ट क्या है? तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने डीपली एसिड बेस इंबैलेंस में पढ़ ही लिया है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने एंटासिड से, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोबारा बोलता हूं उन क्वेश्चनों को, कैल्शियम कार्बोनेट का साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। मिल्क एल्कालिक सिंड्रोम किससे संबंधित है? कैल्शियम कार्बोनेट से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? डायरिया होता है। अगर आपसे पूछा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉशनली यूज करना चाहिए बिकॉज इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। डायलिसिस एंसेफेलोपैथी का कारण क्या है? एल्यूमिनियम कंटेंट। तो यहां पर अपन अब देखें कि सर्टेन ड्रग्स एंटासिड्स हो, एंटासिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर रहे हो और हार्ट बर्न के लिए ट्रीट हो रहे हो, तो हार्ट बर्न में भी एंटासिड्स देंगे और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे। तो अब इस कंडीशंस में क्या होगा? इन कंडीशंस में क्या होगा? सिंपल सा कंसेप्ट है। इन कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा आपको? यहां पर आप देखेंगे कि ये मैंने लिखा आपके सामने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कुछ चीज है जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाई है। एक और लिख देता हूँ, सेवलामर। यस, बिल्कुल सही आप जाने की कोशिश कर रहे हो। ये तीनों ड्रग्स, ये दोनों ड्रग्स एंटासिड्स तो हैं, अभी आपने पढ़ा ही एंटासिड्स तो हैं, संग में एक और है और वो क्या है? वो ये कि ये फॉस्फेट बाइंडर्स और हैं। इसका मतलब ये ड्रग्स क्या करेंगी? जब भी जाएगी बॉडी के अंदर, ये तुरंत किसको ज्वाइन कर लेंगी? ये फास्फोरस को बांध लेगी, ये फास्फोरस को बांध लेगी, ये फास्फोरस को बांध लेगी, जिसके कारण से और हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज हो जाएगा।
आगे की तरफ अगर अपन देखें, आगे की तरफ अगर अपन देखें, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घट जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रॉन्स डिजीज कंडीशन। अब इसके अंदर भोजन के द्वारा जो मिनरल आयंस बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन, विटामिन बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बोले रिफीडिंग सिंड्रोम, रिफीडिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जब किसी माल न्यूराइज्ड क्लाइंट या कुपोषित व्यक्ति को जो आप हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज चढ़ाते हो, तो जैसे ही ये हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज एकदम से बॉडी में जाती है माल न्यूराइज्ड क्लाइंट में, तो ये पोटेशियम मैग्नीशियम और फास्फोरस को बांध लेती है। इसका मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। हम डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस, तो यहां पर फास्फोरस लिखा, मैं लिख देता हूं इस चीज को। रिफीडिंग सिंड्रोम किसे कहेंगे, जब माल न्यूराइज्ड क्लाइंट में हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज एडमिट किया, तो हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंसी के कारण से यह पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस को बांध लेगा, बाउंड कर लेगा, और फास्फोरस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पोटेशियम मैग्नीशियम और फास्फोरस तीनों की कमी होगी, लेकिन हमारा पॉइंट है फास्फोरस, तो हमने लिख दिया फास्फोरस। या बिल्कुल डेफिनेटली फास्फोरस मैग्नीशियम एंड पोटेशियम को ज्वाइन करेगा ग्लूकोज किसके द्वारा, हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम के द्वारा रिएक्शन को होगी, और जिसके कारण से पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस घट जाएगा। तो रिफीडिंग सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंडीशन, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंडीशन, यहां पर अपन को देखना है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस के अंदर, तो देखें एक बार। अभी तक आप क्या पढ़े हैं, आपने पढ़ा है एल्कालोसिस में क्या होता है, एल्कालोसिस में होता है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सिमिया, पढ़ा दिया है मैंने लास्ट लेक्चर्स में। उसके बाद में आपने पढ़ा एसिडोसिस में क्या होता है, तो आपने पढ़ा हाइपरकैलेमिया, और अब आप पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंडीशन के अंदर होगा हाइपोफॉस्फेटेमिया। कैसे क्लियर करते हैं, ये आपके पास में है लंग्स का सेगमेंट, ये है आपके पास में ब्लड, और यहां पर आपके पास में प्रेजेंट है टिश्यू। कॉम्प्लिकेशन दे रखा है आपके सामने, सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस हो रहा है, और रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस कंडीशन में क्या होता है, क्लाइंट हाइपरवेंटिलेट करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, और CO2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, CO2 बाहर निकल जाती है। इस कमी को कंपेंसेट करने के लिए
ब्लड की सीओ टू लंग्स में आती है और ब्लड के अंदर सीओ टू की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब इस कमी को, ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए टिश्यू के अंदर की सीओ टू ब्लड में आती है। टिश्यू के अंदर सीओ टू कहां से बनती है? टिश्यू को भोजन चाहिए और भोजन के लिए हमारे पास में है क्या सब्सटेंस, C6H12O6, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बना सीओ टू और H2O, तो ये आ गई सीओ टू। सीओ टू टिश्यू से कहां पर आई? ब्लड में। ब्लड में सीओ टू की कमी हो रही थी तो टिश्यू से कहां पर आई? अब जब टिश्यूज के अंदर सीओ टू की कमी होती है तो ये आप देखिए, आपने टिश्यूज के अंदर सीओ टू की कमी हुई तो जिसके कारण से क्या होता है, पीएच बढ़ता है। ऑल ऑफ यू आर नोज वेल के सीओ टू बढ़ेगा तो एसिडोसिस होता है। क्यों एसिडोसिस होता है? एच टू सीओ थ्री का फॉर्मेशन होता है, पीएच डिक्रीज होता है। लेकिन जब सीओ टू घटेगा तो एसिड नहीं बनेगा, और एसिड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? क्षार बनेगा, और क्षार बनेगा तो पीएच क्या होगी? बढ़ेगी। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि जब सीओ टू की कमी होगी तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, और जब सीओ टू की कमी होगी तो पीएच बढ़ेगा, और जब पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच बढ़ने के कारण से ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा। ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा तो इसको एटीपी एंड एडीपी फॉर्मेशंस के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। क्या चाहिए? फास्फोरस का रिक्वायरमेंट चाहिए। और फास्फोरस ये कहां से लेगा? गौर से देखिएगा, ये रहा आपका फास्फोरस, कितना है 2.5 से 4.5 mg पर dl। और जब ये फास्फोरस एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ब्लड से कहां पर जाएगा? टिश्यू में जाएगा, तो फास्फोरस की कमी होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन में हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। दोबारा से देखते हैं इस चीज को, जब लंग्स में CO2 की कमी होगी, क्यों कमी हो रही है? क्योंकि क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, CO2 की कमी हो रही है, हाइपरवेंटिलेट हो रहा है, तो ब्लड से CO2 लंग्स में जाएगा, और ब्लड से CO2 लंग्स में जाएगा तो ब्लड में CO2 की कमी होगी, तो टिश्यू से CO2 कहां पर आएगा? लंग्स में आएगा। टिश्यू में CO2 कहां से आया? C6H12O6 ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से। और जब टिश्यूज में CO2 की कमी होगी तो पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा, ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा तो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड से जो फास्फोरस है जो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है 1%, वो कहां पर आएगा? टिश्यूज में आएगा, और फास्फोरस की वैल्यू ब्लड के अंदर कम होने लग जाएगी, और इसे बोलेंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। एंड इसलिए बोला जाता है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है? हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। नेक्स्ट नंबर पर है आपके पास में नेक्स्ट कॉज है हाइपर इंसुलिज्म। मैंने आपको बताया था कि सेल के बाहर अगर पोटेशियम ज्यादा हो गया है, हाइपर कैलेमिया हो गया है, तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन डेफिनेटली आपको पता है कि इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन सेल के अंदर लेकर के जाएगा, शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। सेम एज कंडीशन, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से कि सेल के बाहर अगर फास्फोरस ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इंसुलिन इस फास्फोरस को अंदर लेके जाएगा, और अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो ज्यादा फास्फोरस अंदर चल जाएगा तो हाइपर इंसुलिज्म में क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया। अपना हाइपोफॉस्फेटेमिया का फैनकोनी सिंड्रोम, फैनकोनी सिंड्रोम दैट्स अ टाइप ऑफ द अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कंडीशन, अक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस कंडीशन। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पर रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजिस्ट के टॉपिक्स पे क्लियर होंगी आपके, आपको सिंपल तरीके समझना है कि फैनकोनी सिंड्रोम के अंदर
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स पे रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स पे रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है? फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा। एंड लास्ट कॉज आपको अच्छे तरीके से पता है, वो है हाइपर कैल्शियमिया। जब कैल्शियम का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल। देन फाइनली अगर अपन अब साइन सिम्टम्स डिस्कस करें इसके, सिंपल सा निमोनिक है, स्टोन्स, थ्रोन्स, ग्रोन्स, बोन्स, साइकोटॉपिक, ओवर टोन्स, ओन्स आर एन। स्टोन्स मतलब रीनल स्टोन हो सकता है क्लाइंट को, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है क्लाइंट को। याद रखें हाइपोफॉस्फेटेमिया में हाइपर कैल्शियमिया भी होता है। आपके सामने सारे साइन सिम्टम्स क्लियर होते जाएंगे। थ्रोन्स, थ्रोन्स मतलब थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, इट मींस पॉलीयूरिया होगा क्लाइंट को। ग्रोन्स, ग्रोन्स का मतलब कराहना, अबनॉर्मल मसल वीकनेस, अबनॉर्मल मसल वीकनेस, मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा। कॉन्स्टिपेशन, अबडोमिनल पेन, डिस्टेंशन, क्रैम्प। बोन्स, बोन्स में पेन होगा, फ्रैकाइल होगी बोन्स तो बोन्स में पेन होगा। टाइकोटॉपिक ओवरट्रोन्स, इसका मतलब डिप्रेस्ड होगा, मूड स्विंग्स होंगे, ईटीसी। इंटरवेंशन को देखें अगर, फॉस्फोरस की कमी है, फर्स्ट ओरली एडमिट करना है, क्रिटिकल कंडीशन है, 1 mg/dL बिलो फॉस्फोरस वैल्यूएशन है। नॉर्मल कितनी होती है? 2.5 से 4.5 mg/dL, 2.5 में मतलब 1 mg/dL से भी कम हो रहा है। आईवी फॉर्म में फॉस्फोरस को एडमिट करना है। जब आईवी फॉर्म में फॉस्फोरस को एडमिट करें तो क्लोजली मॉनिटर क्या करेंगे? फॉस्फोरस की वैल्यू, कहीं क्लाइंट को हाइपर फॉस्फेटेमिया नहीं हो जाए। सेम एज कंडीशन, अगर किसी आप किसी मालन्यूराइज्ड क्लाइंट को फॉस्फोरस एडमिट कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर फॉर रिफिटिंग सिंड्रोम। थैंक्स।